कहते हैं इंसान के लिए तीन चीजें हैं जो सबसे जरूरी है, रोटी कपड़ा मकान। मकान की बात करते हैं, किसी को घर चाहिए। घर किसको चाहिए? सबको चाहिए। कोई ऐसा भी है जो कहता है नहीं मुझे घर नहीं चाहिए? सबको चाहिए। ये कितनी बड़ी मार्केट है? बहुत बड़ी। मतलब कितनी? अरबों खरबों की मार्केट है। तो अब अगर इस मार्केट में क्या कुछ गैप नजर आ रहा है, कुछ गड़बड़ नजर आ रही है आपको, जिसको आप एंटर करके पूरा कर सकते हो और वहां से बहुत पैसा कमा सकते हो लीगली, सही तरीके से, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। देखना, ध्यान से समझना। एक प्रॉब्लम है, लोगों को घर चाहिए। अब किसी को घर चाहिए, वो कैसे घर को ढूंढेगा? ऑनलाइन। आपने बोल दिया ऑनलाइन, क्योंकि आपकी एज है। yes, समझ गए? आया ना एक बिजनेस आइडिया यहां से? yes, यही अगर यहां पर अभी बैठे होते 50-60 साल के लोग, वो क्या कहते? पहले हम किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास में जाएंगे, फिर वहां जा करके देखेंगे, फिर उसमें से एक सिलेक्ट करेंगे। आप क्या बोल रहे हो? ऑनलाइन। आधे लोग ऐसे होंगे, स्पेशली जो यंग एज में होंगे, वो पहले ऑनलाइन ढूंढेंगे, बाद में ऑफलाइन जाएंगे। जो एक पर्टिकुलर एज के हो सकता है, वो ऑनलाइन के चक्करों में पड़े ही ना और सीधा ऑफलाइन चले जाए। तो ये प्रॉब्लम है ना, यहीं पर अपॉर्चुनिटी है। प्रॉब्लम क्या है? इंडिया में लोग जल्दी अडेप्ट नहीं करते हैं टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। यानी आप तो अडेप्ट कर गए क्योंकि आप लोगों की एज है। क्या आपके पेरेंट्स ने अडेप्ट किया? ना, वो अभी भी बोलते हैं अरे सब में क्या पड़ा है। बड़ी धीरे धीरे अडेप्ट कर रहे हैं। तो इंडिया में ऐसे कितने प्रॉपर्टी डीलर्स होंगे जो अभी तक ऑनलाइन वाले फंडे को समझ ही नहीं पा रहे होंगे, या वो कह रहे होंगे काम चल तो रहा है, क्या जरूरत है। कितने होंगे ऐसे? मैं कहता हूं आधे होंगे, आधे मान लेते हैं। क्या ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है यहां पर? आप अगर खुद अपना कोई ऑफिस ना खोलो, अपना प्रॉपर्टी डीलिंग का ऑफिस ना खोलो, ये जो हजारों ऑफिसेज खुले हुए हैं, वहां पर जाओ और उन लोगों से टाइप कर लो। अब आपको इसके लिए क्या चाहिए? एक विजिटिंग कार्ड चाहिए। सबसे पहले आप जाओगे, उनसे बात करोगे, तो कुछ चाहिए तो सही ना। अपनी एक वेबसाइट चाहिए। वेबसाइट बनाना मुश्किल है, आसान है आज के टाइम में? बेसिक सी वेबसाइट जो 2-4 घंटे में तैयार हो जाती है। तो उनके लिए आप एक रियल एस्टेट एजेंट बन गए। ये लोग जो एजेंट्स होते हैं, ये सब मिल करके काम करते हैं, अकेला कोई काम नहीं करता, इनका पूरा का पूरा नेटवर्क होता है। तो इस नेटवर्क में आप घुस सकते हो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। मतलब इनके पास में ऑफलाइन कुछ आए और ऑनलाइन आप उसको प्लेस करते चले जाओ। मतलब आपका काम क्या हो गया जो ये लोग कभी नहीं करेंगे, कि एक प्रॉपर्टी आई बिकने के लिए, मान लो 50 लाख रुपए का कोई घर है, वो आया बिकने के लिए, ये क्या करेंगे? लिख लेंगे। अब इनके पास अगर कोई आया तो उसको दिखाएंगे या अपने नेटवर्क में बता देंगे ऑफलाइन। तो जो ऑफलाइन की दुनिया है वहां तो वो चीज फैल जाएगी, ऑनलाइन वो है ही नहीं। तो क्या ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है या नहीं है? ऑफलाइन आपने सबसे टाई अप कर लिया है कि जो भी चीज आती है, अब आप अलग क्या कर रहे हो औरों से जो और लोग नहीं कर रहे? क्योंकि मैंने इन साइट्स को ऑब्जर्व किया है, वहां पर क्या होता है, ऐसा लगता है कि जबरदस्ती बस उठा करके किसी ने कुछ डाल दिया है प्रॉपर्टी के बारे में। ना तो बहुत सारों में तो फोटोग्राफ्स ही नहीं होती है, होती है तो एक आध फोटोग्राफ होती है, वीडियो तो बहुत ही कम में होती है। आपने क्या करा? आपने कहा कि यार मैं कुछ ऐसा करूंगा जो बाकी लोग नहीं कर रहे। मतलब जो भी घर आया उसकी कम से कम 20-30 आपने फोटोग्राफ्स खींची प्रॉपर, हर एक एंगल से उसकी प्रॉपर वीडियो बनाई। उसमें आपका जा क्या रहा है? अपने मोबाइल से भी बना सकते हो, आजकल तो मोबाइल ही एक से बढ़कर एक आ गए हैं। मतलब कि ऑनलाइन जो बंदा आया उसको एक्सपीरियंस ऐसा हो रहा है कि मैं एक्चुअल में देख रहा हूं उसको, उधर से उस बंदे ने आपको फोन किया। अब यहां पर आपके ऊपर है आपका टाइप कैसे होता है। इसमें यह भी हो सकता है कि जो बायर है उसकी कमीशन आपको मिलेगी, मान लो 1% मिलता है, और जो सेलर है उसकी कमीशन उसको मिलेगी जिससे आपका टाइप है, जिस डीलर से टाइप है। तो ऐसे अगर आपने 100 छोड़ो 10 से भी टाइप कर लिया है एक एरिया में, ऐसे 10 ऑफलाइन डीलर जो ऑफलाइन तो है लेकिन ऑनलाइन नहीं है, उन 10 के पास में 100-100 प्रॉपर्टीज है, उसमें से मान लो 10-10 एक्चुअल में ढंकी है, जो बैंक से लोन इमीडिएटली हो जाएगा, आपको पता है वो आपने बैंक से पहले ही कंफर्म कर लिया है। तो अगर आपने 100 प्रॉपर्टीज में लिस्ट करी तो इसमें आपका गया क्या, क्या इन्वेस्टमेंट हुई? तो अगर 1% आपको मिला, 1% उसको मिला, मान लो 50 लाख का घर बिका, तो आपको कितना मिला? 50,000 रुपए। और कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, जैसे मैजिक ब्रिक्स है, 99 एकर्स है, ऐसी काफी सारी वेबसाइट्स हैं, वहां पर जाकर के उनका प्रीमियम प्लान आपने परचेस कर लिया जो डीलर्स के लिए होता है। उसका जो बेसिक प्लान होगा, उसमें भी लेवल्स होंगे प्लान के,
इतने रुपए, मान लो 10-20,000 रुपए साल का प्लान है, और 2 महीने में 1 कन्वर्जन भी हो गई इस तरह की, और उस पर आपको 0.5% कमीशन भी मिली, मैं 1% भी हटा देता हूं, तो 25,000 रुपए भी आए, तो ब्रेक इवन नहीं हो गया 2 महीने के अंदर? तो क्या ये बिजनेस जीरो इन्वेस्टमेंट का नहीं हो गया? अब यहां पे गड़बड़ आप क्या कर सकते हो, आप पहले ही इसको माइंड में बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दोगे और कुछ बहुत बड़ा करने के बारे में सोचोगे और कभी करोगे ही नहीं, ये बेवकूफी है। वेबसाइट बनाने में ही पता लगा 1 साल लग गया। ऐसी ये सबसे बड़ी गलती है जो मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग हंस रहे हो लेकिन मैं बताता हूं, जब भी कोई बिजनेस शुरू करता है सबसे बड़ी गलती बंदा क्या करता है, अपनी वेबसाइट को बनाने में टाइम वेस्ट करता है। जो भी आप वेबसाइट बनाने वाले हो अपनी, उसको बनाने में 1 दिन से ऊपर नहीं लगना चाहिए, और खुद बनानी है। और वेबसाइट बनाना आज की डेट में इतना आसान है जैसे एक ईमेल क्रिएट करना। ईमेल क्रिएट करना आता है बस, इतना ही आसान है, वर्डप्रेस पे जाकर के बना सकते हो। और मजे की बात क्या है, अभी जो घर परचेज करने की जो एज है वो शिफ्ट हो गई है, पहले एक एज के बाद में जाकर के बंदा खरीदता था, आज जल्दी खरीद रहे क्योंकि फाइनेंस हो जाता है। तो वो भी 25-30 के हैं, आप भी 20-25 साल के हो, तो कनेक्ट नहीं कर जाओगे बड़ी जल्दी? तो एक बहुत बड़ी यहां पर अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही है? अपर लिमिट क्या है यहां पर, कोई नजर आ रही है अपर लिमिट? अगर महीने के, मैं कहता हूं जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे, पहले छोटी ट्रांजेक्शंस करो, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा, तो क्या 1 करोड़ का 2 करोड़ का 3 करोड़ का घर ये नहीं बेच सकते? तो मान लो अगर आपने 2 करोड़ का घर बेचा और उसमें 1% आपको कमीशन मिली, कितना हो गया? 2 लाख रुपए। पूरे महीने में एक आध तो कर ही लोगे या नहीं कर पाओगे? तो 2 लाख रुपए महीना कम होता है क्या? इसमें मुश्किल क्या है? बहुत सारे आर्टिकल्स हैं नेट पे जो अवेलेबल है कि गूगल एड्स कैसे चलाते हैं। अगर आपने महीने का 1,000 रुपए का अपना एडवर्टाइजिंग बजट बना भी लिया, मान लो 2 महीने में कितना लगा, 2,000 रुपए लगा, एक भी कन्वर्जन हुई वहां से 20-30,000 रुपए भी आ गया तो बुरा थोड़ी है। ये जो खेल है ना, ये सारा जो रियल एस्टेट का है, इसको ध्यान से सुन लेना और समझ लेना, मैं इसको समअप कर रहा हूं। ये जो बिजनेस आइडिया है ये कब चलेगा और कब नहीं, ये सारा खेल है ट्रस्ट का। आप जाओगे घर लेने, कैसे डिसीजन लोगे? नंबर वन तो वो घर पसंद आना चाहिए, कोई कितना भी बोलता रहे अगर आपको पसंद नहीं आया है तो आप नहीं लोगे। अब वहां पर आपके ऊपर उसको कितना ट्रस्ट है वो रोल प्ले करेगा, तभी तो आपकी बात सुनेगा। वो ट्रस्ट कैसे एस्टैब्लिश होता है, किसी पे भी ट्रस्ट कैसे होता है? अरे सच बोल करके। आपसे कोई झूठ बोलेगा उस पर आपको ट्रस्ट होगा, या सच बोलेगा उस पर ट्रस्ट होगा? तो सच बोल दो, इसमें दिक्कत क्या है? उसको सब कुछ सच सच बता दो, सर देखो ये जो आप देख रहे हो इसका ये प्लस है ये माइनस है, इसमें मैं आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि यहां पे पेपर्स में कुछ गड़बड़ है, ये आपको और कोई नहीं बताएगा, मैं बताऊंगा। उसको सब कुछ बताओ ना, जो भी काम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लगे वहां पे हाथ ही मत डालो, ना सामने वाले को फंसाओ। समझ गया ना मेरी बात? जैसे बहुत सारे बिल्डर्स हैं इंडिया में, चोर हैं, तो ऐसे बिल्डर्स के साथ में जुड़ो ही मत जिनका मोटिव यही है कि पैसे इकट्ठे करने हैं, क्योंकि उसमें आप भी मरोगे। आपने तो किसी के पैसे लगवा दिए, वो बिल्डर तो निकल लिया इंडिया के बाहर पैसे इकट्ठे करके, आप वहीं के वहीं, वो आ करके आपको पकड़ लेंगे। समझ गए? तो ऐसे काम करो ही मत, साफ सुथरा काम करो, शुरू से अपने फंडे क्लियर रखो, ऑनेस्टी को अपना बेस बना लो। और एक बंदे ने इस तरीके से आपके साथ में काम किया और उसको ये समझ आ गया कि ये बंदा प्रॉपर्ली काम करवाता है, तो क्या वो आपको आगे रिकमेंड करेगा या नहीं करेगा? आप होगे तो रिकमेंड करोगे या नहीं करोगे? इसको वर्ड ऑफ माउथ बोलते हैं। जिस दिन ये रिकमेंडेशन शुरू हो गई, अब समझ जाओ अब आप सही तरह से बिजनेस कर रहे हो। अगर कोई बंदा आपसे काम तो करवा रहा है लेकिन आगे किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा है, तो समझ जाओ आप गड़बड़ कर रहे हो। लेकिन अगर वो रिकमेंड कर रहा है, और एक को नहीं, दो को नहीं, 4 को रिकमेंड कर रहा है, वो आगे रिकमेंड कर रहे हैं, कोई अपर लिमिट है ही नहीं, आप कहां तक जा सकते हो? बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये, लाखों के आप करोड़ों भी कमा सकते हो एक महीने का।